दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इंडिया टीवी एस्ट्रो की स्पेशल प्रस्तुति कमल नंदलाल का भविष्यफल। इस भविष्यफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल उपाय, राशि अनुसार ही आपका शुभंक और शुभ रंग भी, पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को आसानी से दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यफल की पंचांग के साथ में। तो दिन है रविवार का, तारीख है 11 जनवरी 2024, माघ शुक्ल द्वितीया पर चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभंक रहेगा 3, शुभंक रहेगा पीला, शुभ दिशा रहेगी ईशान, राहु काल रहेगा शाम को 4:45 से लेकर शाम में 6:08 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। शाम को 5:39 से लेकर के रात को 9:09 तक दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम को 6:06 से लेकर शाम में 7:25 तक विशेष क्या है, माघ नवरात्रि है, माघ चंद्र दर्शन पर्व भी है और ऐसे में माघ नवरात्रि की द्वितीया पर महाविद्या तारा यानी कि दूसरी महाविद्या के पूजन का विधान है और हमारा जो विशेष उपाय है वो भी महाविद्या तारा से ही जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको कैसे दाम्पत्य और प्रेम जीवन दोनों में ही कैसे सफलता प्राप्त होगी, लव लाइफ और मैरिड लाइफ, तो उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं भविष्यफल के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ, मेष राशि वालों सेहत को लेकर सावधान रहें, मानसिक शांति रहेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, दोस्त से कोई तोहफा मिलने के योग हैं, छात्रों को टीचर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। उपाय ये करें कि लाल मिर्च पाउडर पानी में बहा दें। वृष, सामाजिक रुतबा बढ़ेगा, मित्रों की राय काम आएगी, पॉजिटिव सोच से लाभ होगा, बातों से लोग प्रभावित होंगे, धर्म कर्म में रुचि लेंगे, धार्मिक कार्यों में हिस्सा भी लेंगे। उपाय ये करें कि किसी गरीब कन्या को गुणदान करें। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे, भाग्य साथ देगा, अकस्मात लाभ के योग हैं, मन प्रसन्न रहेगा, पिछला अनुभव आपके काम आएगा, घरेलू काम बाधा रहित पूरे होंगे, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। उपाय ये करें कि पूजा घर में अशोक का पत्ता चढ़ाएं। कर्क, हर काम सफल रहेगा, व्यापारियों को खास व्यक्ति से सहयोग मिलेगा, प्रोफेशनल्स को प्रशंसा मिलेगी, मित्रों के साथ में घूमने फिरने जाएंगे, घरेलू माहौल सुखद रहेगा। उपाय ये करें कि गेहूं के दाने कर्पूर से जला दें। सिंह, धन क्षेत्र नरम रहेगा, फिजूल खर्चों से बचें, मन पर काबू नहीं रहेगा, किसी पर तुरंत भरोसा करने से आपको नुकसान हो सकता है, अनचाही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उपाय ये करें कि गायत्री मंत्र का जप करें। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करें, घरेलू कामकाज में जिम्मेदारी बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी करने से बचें, धैर्य से आगे बढ़ने से कामकाज बनेंगे, सेहत संबंधित परेशानियां रह सकती हैं, अपने भाषा और अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू बनाए रखें और एक छोटा सा उपाय करें, मस्तक पर कुमकुम से तिलक करें। बात करेंगे सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की। तुला राशि वालों व्यक्तित्व में निखार लाने का प्रयास करेंगे, कम मेहनत में ज़्यादा फल मिल सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए ईमेल आ सकता है, पारिवारिक जीवन में खुशियां आ सकती हैं, ऐसे में एक छोटा सा उपाय करें, गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों व्यापारिक लाभ में कुछ कमी आ सकती है, पुरानी बातों को लेकर तनाव रह सकता है, कामकाज में बाधा आने के योग हैं, घरेलू काम में व्यस्तता रहेगी, सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होगा। एक छोटा सा उपाय करें, लाल पेन से ह्रीम लिखकर जेब में रखें। नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे। कारोबार में लोगों का विश्वास बना रहेगा, लोग सहयोग करेंगे, ईमानदारी की हर जगह चर्चा हो सकती है, छात्र मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, परिवार में उल्लास का माहौल बना रहेगा। एक छोटा सा उपाय करें धनु राशि वालों, किसी बूढ़े व्यक्ति को गुणदान करें। दसवीं राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। नई पारिवारिक जिम्मेदारी मिल सकती है, भागीदार का सहयोग मिल सकता है, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, अचानक धन की प्राप्ति की संभावना है, कामकाज में लोग मदद भी करेंगे। एक छोटा सा उपाय करें, पूर्वमुखी होकर दैनिक पूजा पाठ करें। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। कामकाज में उतार चढ़ाव बना रहेगा, व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा, काम पूरा करने में समय लगेगा, मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, शाम में परिजनों के साथ आप समय बिता पाएंगे। एक छोटा सा उपाय करें, चुटकी भर रोली जल प्रवाह करें।
बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे। रचनात्मक कामों में रुचि लेंगे, मनोबल मजबूत रहेगा, सफलता के लिए उम्मीदें बढ़ेंगी। कुंवारों को प्रेम प्रस्ताव मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। बाहर कहीं डिनर करने भी जा सकते हैं। एक छोटा सा उपाय करें, किसी गरीब महिला को सूजी दान करें। तो दोस्तों समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो दाम्पत्य और प्रेम दोनों ही क्षेत्रों में आपको सफलता दिलवाएगा। देखिए खास दिन है, ये दिन है माघ नवरात्रि की द्वितीया का, ऐसे में दूसरी महाविद्या देवी तारा के पूजन का विधान है। क्या करें आप, दाम्पत्य और प्रेम जीवन में सफलता के लिए महाविद्या तारा का पूजन करें और माता तारा पर मीठे पान का भोग लगाकर आधा आधा दोनों पार्टनर्स या तो पति पत्नी या दोनों प्रेमी आधा आधा मिलकर बांट कर खाएं। और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम तारा आनंद स्वरूपेण नमः। ओम तारा आनंद स्वरूपेण नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको दाम्पत्य और प्रेम जीवन में निश्चित सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।